नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम और एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से स्किन को रिटच कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक इमेज ओपन करेंगे। ये इमेज आपने बहुत बार देखी रहेगी इंटरनेट पे और शायद इस तरह की स्किन का काम आपके पास आ सकता है। तो चलिए हम इस टाइप की स्किन को किस तरह से रिटच करते हैं और कितना स्मूथ बना सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम लेयर पैनल में इसकी दो कॉपीज बना लेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। इस लेयर में से हम बीच वाली लेयर है इसको नाम देंगे ब्लर, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूज ना हो। और सबसे पहले वाली इमेज को नाम देंगे रिटच। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इमेज ओपन की और उस इमेज के हमने यहाँ पे और दो कॉपीज बना ली। अब हम लेयर पैनल में जो बीच वाली लेयर है जिसका नाम हमने ब्लर दिया है उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और ब्लर में गॉशियन ब्लर। इस गॉशियन ब्लर को आपको इतना रखना है इमेज आपको धुंधली दिखने लगे। यहां पर मैं इसका ठीक है 6 पॉइंट पे रख दिया मैंने। यहां पर मैं ओके करता हूं। ये होने के बाद अब हम जो सबसे पहली वाली लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इमेज में जाएंगे, अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज में आपको जो ब्लर वाली जो लेयर है लेयर पैनल में उसे सेलेक्ट करना है और इसे हम यहाँ पे ब्लर करके उस नाम की इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग का मोड जो यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई, इसे चेंज करके हम कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद ओपेसिटी 100, स्केल को हम 2 ही रखेंगे और यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से ग्रे शेड की इमेज तैयार हो जाएगी। अब हम उसी इमेज को लेयर पैनल में लीनियर लाइट करके ब्लेंडिंग का मोड दे देंगे। इतना होने के बाद वापस हम जो दूसरी वाली लेयर है जो बीच वाली लेयर है ब्लर उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हम सेलेक्शन टूल लासो टूल लेंगे। लासो टूल लेने के बाद अब हम हमारा जो भी डैमेज एरिया है स्किन का उसे हम यहां से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है सेलेक्शन को आपको फेदर देना है 35 पिक्सल का। आप अपने इमेज के हिसाब से 30-35 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेदर दिया है 35 का। फिर हम जाएंगे फिल्टर में ब्लर गॉशियन ब्लर। देखो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से डैमेज स्किन को हमने यहाँ पे रिपेयर कर लिया है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पूरी इमेज को सेलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी इमेज लाइट एंड शैडो से बनी रहती है, इसलिए हम उतना ही एरिया सेलेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए। यहाँ पे हमने दूसरा एरिया सेलेक्ट कर लिया।
उसका भी फेदर हमने 35 सेम रख दिया, और यहाँ पे वापिस से शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल एफ, मतलब गॉशियन ब्लर जो पहला फिल्टर दिया था वो फिल्टर हमें यहाँ पे वापिस यहाँ पे शॉर्टकट के लिए यूज होता है। देखो तो ये था दोस्तों आज का स्किन रिटच करने का प्रोफेशनल तरीका। आप चाहिए तो इस इमेज को फ्लैटन करके, इसका डुप्लीकेट कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी बना के आप इसको फिल्टर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा पोर्ट्रेचर, यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेचर यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर का मास्क लगा दूंगा कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट दबाते रखते हुए। यहाँ पे मास्किंग का बटन मैंने ऑन कर दिया और ब्लैक के अपोजिट व्हाइट फोरग्राउंड, इसलिए मैंने और ब्लैक के अपोजिट व्हाइट कलर। और यहाँ पे मैं ब्रश सेलेक्ट करूंगा बी और यहाँ पे मैं पेंट करना चालू कर दूंगा। आप चाहिए तो इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके हम इसका ओपेसिटी कम ज्यादा करके इमेज के टेक्सचर हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं, ताकि हमारी इमेज प्लास्टिक जैसी ना लगे। यहाँ पे इस इमेज को हम फिलहाल सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल इस इमेज को हम लॉक कर देंगे फ्लैटर इमेज। इमेज को हम नाम दे देंगे रिटच इमेज, रिटच इमेज सेव। अब हम दोनों इमेज एक साथ ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, किस तरह से एक डैमेज स्किन को प्रोफेशनल तरीके से रिटच करते हैं, ये आज हमने देखा। आने वाले वीडियो में भी हम इसे और कुछ तरीके हैं स्किन रिटच करने के, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जल्द से जल्द लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।